गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट पे बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो डाले जा रहे हैं। ये वीडियो भी उसी श्रृंखला का उसी का हिस्सा है। और 68वीं बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये श्रृंखला को शुरू किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आते हैं करंट से। हमारे तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि आपका 25 प्लस सही कराया जाए। और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो बीपीएससी और बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आते हैं हम अपने सवाल पे। हमारा सवाल है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया है। बात हो रही है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव की। तो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो 2022 है, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। कहां किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में। आपको बता दें कि इसका जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पे किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पे। और आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी, सन 2001 नवंबर। तो 1 नवंबर और सन 2000 में जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, और इसी के अवसर पे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जैसा हम आपको बता दें कि जो ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है, ये इसका तीसरा आयोजन है। इसका पहला आयोजन 2019 में किया गया है, दूसरा आयोजन 2021 में किया गया है, और तीसरा आयोजन ये 2022 में किया गया है। आप सबको बता दें कि जो 2020 है उसमें इसका आयोजन नहीं हुआ है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम जो हुआ है वो 2019 में हुआ है, जो दूसरी बार हुआ है 2021 में हुआ है, और तीसरी बार 2022 में हुआ है। और पूरे विश्व के जो जनजाति समूह के लोग हैं वो यहाँ आए थे। लगभग 1500 से ज्यादा जनजाति आए थे, और जो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव है उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण देश रसिया, इंडोनेशिया, टोंगा, घाना, मिस्र और भी देश थे। तब हम आते हैं अपने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो विविधता में एकता, और भारत में विभिन्न धर्म समुदाय और जाति के लोग निवास करते हैं। तो हर राज्य का अपने एक अलग लोक नृत्य है जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो जो अति महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के लिए, जिसकी आने की ज्यादा संभावना है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हमको यहाँ थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे। तो आप सब देख रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की जो थी ना स्थापना दिवस थी, उसी में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये तीसरी बार हुआ, पहली बार 2019 में, दूसरी बार 21 में, और तीसरी बार 22 में। तो आते हैं लोक नृत्य पे। तो हम यहाँ लिख देते हैं लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में हम सबसे पहले बात करते हैं असम का। तो असम का जो लोक नृत्य है उसका नाम है बिहू, भोरताल और झुमरी। बिहू, भोरताल और झुमरी, बिहू, भोरताल और झुमरी। तो है बिहू, 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 भोरताल, बिहू, भोरताल, बिहू, भोरताल और झुमरी, 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 बिहू और भोरताल, झुमरी, भोरताल और बिहू, बिहू, भोरताल, झुमरी। यह है असम का है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश है, उसका नाम है बारडो छम्मो, बारडो छम्मो, बारडो छम्मो, अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख देते हैं, एपी से अरुणाचल प्रदेश, बारडो छम्मो, बारडो छम्मो, बारडो छम्मो। तो अरुणाचल प्रदेश का है वो हो गया बारडो छम्मो। बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है राउत नाच। जो ये छत्तीसगढ़ है इसका है राउत नाच, राउत, राउत नाच, राउत नाच छत्तीसगढ़ का है वो है राउत नाच। बात करते हैं गोवा की। तो जो गोवा है उसका जो लोक नृत्य है वो है फुगदी। गोवा का है फुगदी, गोवा। बात हो रही है गोवा की, तो गोवा का है फुगदी, गोवा का है फुगदी, गोवा का फुगदी। असम का बिहू, भोरताल, झुमरी, अरुणाचल प्रदेश बारडो छम्मो, गोवा का फुगदी, और छत्तीसगढ़ का है राउत नाच। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का है उसका नाम है नाटी और छम, हिमाचल प्रदेश का है नाटी और छम। तो हम एचपी लिख देते हैं, एचपी से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश,
तो ये है नाटी और छम, नाटी और छम, नाटी और छम, नाटी और छम है हिमाचल प्रदेश का। बात करते हैं नागालैंड की, जो नागालैंड है वो है चेरवा, नागालैंड का है चेराव, नागालैंड का है चेराव, नागालैंड चेराव, नागालैंड, नागालैंड इसका है चेराव, नागालैंड चेराव, तो जो नागालैंड है उसका है चेराव, नागालैंड चेराव। तो बात करते हैं हम नागालैंड की, तो नागालैंड, नागा यहां ब्लू से लिखते हैं तो थोड़ा मैचिंग नहीं रहेगा, बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड, 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 नागालैंड है चेराव, नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो है चेराव, नागालैंड का लोक नृत्य है चेराव। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश है उसका लोक नृत्य है ग्रीडा माचा मटकी फूल पत्ती। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ग्रीडा माचा मटकी और फूल पत्ती। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का है ग्रीडा, मध्य प्रदेश का है ग्रीडा मटकी, मटकी ग्रीडा मटकी माचा और फूल पत्ती, ग्रीडा मटकी माचा, माचा, माचा और फूल पत्ती, फूल पत्ती, फूल पत्ती, फूल पत्ती, मध्य प्रदेश का ग्रीडा मटकी माचा और फूल पत्ती। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का है लौनी तमाशा और परवी नाच, महाराष्ट्र है लौनी परवी नाच और तमाशा, महाराष्ट्र का है लौनी परवी नाच और तमाशा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लिख देते हैं MH, MH समझ से ही महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र का होगा लौनी परवी नाच और तमाशा, लौनी, लौनी परवी नाच, परवी नाच, लौनी परवी नाच और तमाशा, 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 लौनी परवी नाच तमाशा, ये हो गया महाराष्ट्र का। अब हम बात करते हैं पंजाब का, तो जो पंजाब का है वो है गिद्दा और किक्किर, गिद्दा और किक्किर। तो बात करते हैं पंजाब, पंजाब जो पंजाब है, पंजाब का जो है वो है गिद्दा, गिद्दा और किक्किर, की अच्छा क आ क आ ल, जो पंजाब है उसका है गिद्दा और किक्किर। अब हम रिपोर्ट, हम रिपीट करते हैं, तो जो देखिए असम का है बिहू भोरताल और झुमरी, अरुणाचल प्रदेश का है बाड़ो छम्मो, बाड़ो छम्मो अरुणाचल प्रदेश, गोवा का है फुगदी, गोवा का है फुगदी, हिमाचल प्रदेश का है नाटी और छम, हिमाचल प्रदेश का है नाटी और छम। बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड जो है उसका है चेराव, नागालैंड का है चेराव। तो जो मध्य प्रदेश है उसका है ग्रीडा मटकी माचा और फूल पत्ती। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का है वो है राउत नाच, छत्तीसगढ़ का है राउत नाच, छत्तीसगढ़ का है राउत नाच, छत्तीसगढ़ का है राउत नाच। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का है लौनी परवी नाच और तमाशा, लौनी परवी नाच और तमाशा। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का है गिद्दा और किक्किर, पंजाब का है गिद्दा और किक्किर। तो हम इसको रब करके और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा स्पेस कम है, तो यह बात हो रही है आप लोक नृत्य की, जो लोक नृत्य देख रहे हैं, तो इसका जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है वो 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो हम यहाँ राज्यों के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, तो लोक नृत्य में आते हैं हम पुडुचेरी पे, जो पुडुचेरी है उसका लोक नृत्य है गर्दी, पुडुचेरी, 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 पुडुचेरी का जो लोक नृत्य है उसका नाम है गर्दी, पुडुचेरी गर्दी, पुडुचेरी गर्दी। बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान का है घूमर और कच्छी जोड़ी, घूमर और कच्छी जोड़ी, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान जो है, राजस्थान का है घूमर, घूमर, घूमर और कच्छी जोड़ी, कच्छी जोड़ी, घूमर और कच्छी जोड़ी। तो पुडुचेरी का हो गया गर्दी, राजस्थान का है घूमर और कच्छी जोड़ी। बात करते हैं हम त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का है होजागिरी, त्रिपुरा का है होजागिरी, त्रिपुरा का है होजागिरी, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है वो है होजागिरी, होजागिरी, त्रिपुरा का है होजागिरी, त्रिपुरा का है होजागिरी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, तो यूपी का है मयूर नृत्य और चारकुला, मयूर नृत्य और चारकुला। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, तो यूपी का है मयूर नृत्य, मयूर
नृत्य, मयूर नृत्य और चारकुला, चारकुला मयूर नृत्य और चारकुला। तो जैसा कि आप सबने देखा नागालैंड का चिराव, मध्य प्रदेश का ग्रीडा, मटकी, माचा और फूल पत्ती, महाराष्ट्र का है लौनी, परवी नाच और तमाशा, लौनी, परवी नाच और तमाशा, पंजाब का है गिद्दा और किक्किन, और यहां करा है राजस्थान का है घूमर कच्छी जोड़ी, त्रिपुरा का है भोजागिरी, यूपी का है मयूर नृत्य और चारकुला। और हम इधर लिख देते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का होगा यह राउत नृत्य, तो छत्तीसगढ़ का है राउत नृत्य। अब हम बताते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल का है अलकप डोमनी, वेस्ट बंगाल का है अलकप और डोमनी और गमीरा, अलकप डोमनी और गमीरा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है अलकप, अलकप, अलकप और डोमनी, अलकप डोमनी, अलकप डोमनी और गमीरा, अलकप डोमनी और गमीरा, अलकप डोमनी और गमीरा। तो वेस्ट बंगाल का है अलकप डोमनी और गमीरा। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम का है सिंधी चाम, सिक्किम का है सिंधी चाम, सिक्किम का है सिंधी चाम, सिक्किम, सिक्किम का है, सिक्किम का है, सिक्किम का जो है वो है सिंधी चाम, सिक्किम, सिक्किम का है वो है सिंधी चाम, सिंधी चाम, सिंधी चाम, सिक्किम का है सिंधी चाम, सिक्किम का है सिंधी चाम। अब हम फिर से एक बार और बता दें, जैसे राष्ट्रीय जनजातीय जो नृत्य महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसके स्थापना दिवस पे, जो इसका स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। ये तीसरी बार है जब इसका आयोजन किया गया है, पूरे विश्व के जनजाति यहाँ आए थे, और जो छत्तीसगढ़ है तो ये जो नृत्य है इसका तीसरी बार आयोजन हुआ था, जो पहली बार है 2019 में हुआ था, जो दूसरी बार है वो 2021 में हुआ था, और ये तीसरी बार है जो 2022 में हुआ था। और लोक नृत्य के बारे में हमने कुछ देखा, और जो अभी हम बताए हैं वो है पुडुचेरी में जो होता है वो गर्दी लोक नृत्य होता है, राजस्थान में घूमर और कच्छी जोड़ी होता है, त्रिपुरा में होजागिरी होता है, उत्तर प्रदेश में मयूर नृत्य और चारकुला होता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अलकप होता है, डोमनी होता है, गमीरा होता है, और बात हो रही है सिक्किम की, सिक्किम में होता है सिंधी चाम। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन को देखा, तो ये क्वेश्चन के साथ ये डिस्कशन था। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है बोध गया में, कहां बोध गया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो बात हो रही है सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान जो है उसका आयोजन जो हुआ है वो बोध गया में हुआ है, और कुल जो शिक्षा जितने शिक्षकों को दिया है उसकी संख्या है 100, तो कितने शिक्षक है 100 शिक्षक। बात करें सरस्वती सम्मान की, जो सरस्वती सम्मान है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, जो तीसवा नंबर का सरस्वती सम्मान है, तीसवा बात करते हैं हम, तीसवा नंबर सरस्वती सम्मान तो वो मिला है शरण कुमार लिंबाले, शरण कुमार लिंबाले को तीसवा सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो इनकी रचना है मराठी का जो उपन्यास है उसका नाम है सनातन, मराठी का उपन्यास सनातन के लिए शरण कुमार लिंबाले को जो है ये सरस्वती सम्मान दिया है। तो तीसवा है कौन है, शरण कुमार लिंबाले, शरण, शरण कुमार, शरण कुमार, शरण कुमार लिंबाले, शरण कुमार लिंबाले, शरण कुमार लिंबाले को जो दिया गया है तीसवा नंबर का दिया गया है। उनकी रचना जो है वो है सनातन, जो मराठी का उपन्यास है सनातन, 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 सनातन है, और ये मराठी में है, मराठी का उपन्यास है सनातन। तो मराठी का उपन्यास सनातन के लिए तीसवा नंबर का जो है शरण कुमार लिंबाले को सरस्वती सम्मान दिया गया है। बात करते हैं हम 31वें नंबर की, तो 31वें नंबर का जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान वो दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, जिनकी जिस इनकी रचना है जो एक कविता की रचना की है जिसका नाम है मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो 31वां नंबर का बात करते हैं 31वां नंबर की, तो प्रोफेसर, प्रोफेसर राम, रामदरस, प्रोफेसर रामदरस मिश्र,
प्रोफेसर रामदास मिश्र। तो इनकी कविता कविता है मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं के लिए इनको 31वां नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनकी रचना थी मैं तो यहां हूं। तो बात हो रही सरस्वती सम्मान की, आपको बता दे जो हमारा जो 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है वो कुल 46 शिक्षकों को दिया गया है। कितने शिक्षक? कुल 46 शिक्षक, कुल 46 शिक्षकों को दिया गया है वो है। और 46 शिक्षक में बिहार के 2 शिक्षक है, बिहार के कितने शिक्षक है? 2 शिक्षक है। तो 5 सितंबर 2022 को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। वो कुल कितना है? 46 शिक्षकों को दिया गया है, कुल 46 शिक्षकों को दिया गया है शिक्षक। यहां शिक्षक थोड़ा मिस्टेक हो गया, शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कुल 46 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें बिहार के 2 है, बिहार के 2 शिक्षक है। पहला का नाम है पटना की निशी कुमारी, पटना की निशी कुमारी। तो पटना की निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है 5 सितंबर 2022 को। और जो दूसरे है वो है सुपौल के सौरभ सुमन, सुपौल के सौरभ सुमन। तो जो बात हो रही है पहले नंबर की जो बिहार से संबंधित है, तो पटना 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 की निशी कुमारी, निशी निशी कुमारी, पटना की निशी कुमारी, पटना की निशी कुमारी को दिया गया है पहला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो बिहार से संबंधित है। दूसरे नंबर की बात करें सुपौल के सौरभ सुमन, सुपौल 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 के सुपौल के सौरभ सुमन, सुपौल के सौरभ सौरभ और सुमन, सुपौल के सौरभ सुमन, ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। सौरभ सुमन सुपौल से संबंधित है, पटना की जो निशी कुमारी है 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, कुल 46 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें बिहार से 2 है। और बता दें आपको बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित सरस्वती सम्मान है उसमें कुल 100 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें 30वां नंबर का सरस्वती सम्मान जो है ना, 30वां नंबर का सरस्वती सम्मान वो शरण कुमार लिंबाले को दिया गया है, जिनकी रचना है सनातन, जो मराठी भाषा में है, मराठी भाषा में रचना है सनातन, इसके लिए सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिंबाले को दिया गया जो 30वां नंबर का है। बात करें 30वें नंबर की, वो है प्रोफेसर रामदास मिश्र, प्रोफेसर रामदास मिश्र, इनके कविता है, इनकी रचना है मैं तो यहां हूं। क्या है? मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं के लिए प्रोफेसर रामदास मिश्र को जो दिया गया है 31वां नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है। बात करते हैं बोध गया की, तो बोध गया जो है ये यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और निरंजना नदी के किनारे जिसको फल्गु नदी बोलते हैं यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो ये बोध गया है ये बिहार का सबसे गर्म प्रदेश है, बिहार का सबसे ठंडा प्रदेश है, बिहार का सबसे गर्म प्रदेश है और बिहार का सबसे ठंडा प्रदेश है। और बता दें आपको गया के बारे में, तो जो गया है ना यहाँ अवरक जो है ना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार के जितने भी 38 जिले हैं तो जिसमें गया जिला अवरक के मामले में सबसे अग्रणी है। और जो आपको और बता दें कि जो ये बोध गया है ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं धर्म, विशेष बौद्ध धर्म का स्पेशली है, बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और गया जो है, गया जिसका गया जो बता दें ये बहुत पुराना जो होता है ना, जैसे हमारे पुराणों में जो कथा है उसमें भी गया का वर्णन आता है। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, बात हो रही है पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है। तो प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें जो ये प्रमोद भगत है वो बिहार के वैशाली के निवासी है, वैशाली जिला से संबंधित है प्रमोद भगत, और यहीं के वो निवासी है। और आपको जो बता दीजिए, जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। कहां हुआ था? जापान के
टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। आपको बता दें जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो होन्सू द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पे? होन्सू। टोक्यो किस द्वीप पे स्थित है? होन्सू। टोक्यो होन्सू द्वीप पे स्थित है। टोक्यो होन्सू द्वीप पे स्थित है। प्रमोद भगत वैशाली के निवासी है। आपको बता दें जो ये प्रमोद भगत है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस है इसके सिंगल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और जो ये डबल है इसके डबल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक, इंडोनेशिया को हरा के। किसको? इंडोनेशिया को हरा के। इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया को हरा के इन्होंने रजत पदक जीता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को हरा के इन्होंने रजत पदक, रजत पदक जीता है। रजत पदक किसको हरा के जीता है? इंडोनेशिया को। ये मिक्स में जीता है, डबल्स में जीता है, डबल्स, डबल्स में जीता है इन्होंने रजत पदक। सिंगल में है स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत वैशाली के निवासी है। जापान के टोक्यो में आयोजन हुआ था। टोक्यो होन्सू द्वीप पे स्थित है। आपको बता दें कि ये टोक्यो जो पैरा ओलंपिक जो है उसका भी आयोजन जापान में ही होता, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पारा ओलंपिक, टोक्यो पारा ओलंपिक, टोक्यो पारा ओलंपिक, टोक्यो पारा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन मेडल जीता था? गोल्ड। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। और आपको बता दें वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने अभी तक कुल 11 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 11 मेडल। कुल 11 मेडल जीते हैं इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कुल 11 मेडल हो गए हैं इनके वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और बता दें जो वैशाली जिला है उसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर। वैशाली जिला है उसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर। और जो ये वैशाली है, वैशाली है, वैशाली में एक गणिका रहती थी, एक गृह वधु भी उसको बोल सकते हैं, जिनका नाम था अमरपाली, जो इतिहासों में बहुत चर्चा में रहती है। इतिहासों में अमरपाली बहुत चर्चा में रहती है। और जो वैशाली है, वैशाली से विश्व, वैशाली जो है वैशाली से ही विश्व के पहले लोक गणतंत्र की नींव रखी गई थी। विश्व के पहले गणतंत्र, तो गणतंत्र, 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 तो आप देख रहे हैं कि विश्व का जो पहला गणतंत्र है उसकी जो नींव है वो वैशाली से ही रखी गई थी। तो विश्व का पहले गणतंत्र की नींव वैशाली से ही रखी गई थी। और हमारे बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है, हमारा जो इतिहास रखा रहा है वो बहुत गौरवमय रहा है कि जो विश्व का हमने विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया है, जो हमारी वैशाली की भूमि से ही शुरुआत हुई थी। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आसियान भारत शिखर सम्मेलन। बात हो रही है आसियान भारत शिखर सम्मेलन की, तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो देश है कंबोडिया। तो कंबोडिया देश है। आपको बता दें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन? 14वें उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति, 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 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। और हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर। बात हो रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर की और 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। तो जो हमारे जो ये आसियान भारत शिखर सम्मेलन 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो है ना वो कंबोडिया में आयोजित होगा, तो यही दो लोग हैं जो भारत की तरफ से उसमें भाग लेंगे। तो भारत की तरफ से भाग लेने वाले 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एस जयशंकर भाग लेंगे। आपको बता दें जो ये एशियाई भारत शिखर सम्मेलन है ये इसका 30वां वर्षगांठ है, 30वां वर्षगांठ है। कितना वर्षगांठ है? 30वां, 30वां वर्षगांठ है, 30वां वर्षगांठ है ये आसियान भारत शिखर सम्मेलन का, तो 30वां वर्षगांठ है। और जो 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो कंबोडिया में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता भी है वो कंबोडिया ही कर रही है, अध्यक्षता कंबोडिया ही कर रही है। अब बात करते हैं आसियान की। तो जो आसियान है, तो आसियान है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जो साथ में मिलकर व्यापार करते हैं। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उसमें जो विकास होगा उसके लिए ये कार्य करते हैं और व्यापार के लिए कार्य करते हैं।
तो आप बता दें आसियान जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। और जो आसियान है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में आसियान की तो स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। कहां हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। आपको बता दें जो कंबोडिया है उसकी राजधानी नेम पनेव है, नेम पनेव कंबोडिया की राजधानी है, नेम पनेव। इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है आसियान का वो है जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। कहां है? जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ये 30वां वर्षगांठ है। और 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लेंगे। और जो इसका आयोजन है वो कंबोडिया में होने वाला है। और जो कंबोडिया है इसकी राजधानी नेम पनेव है। और हाल ही के दिनों में जो जून 2022 में है वो 24वीं आसियान भारत जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। कहां हुई है? नई दिल्ली में। तो उनकी 24वीं बैठक, कितनी बैठक? 24वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई है। कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। आपको बता दें एक बार हम रिपीट करते हैं फिर से, आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो वो देश है कंबोडिया। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 30वां वर्षगांठ है आसियान भारत शिखर सम्मेलन का। आसियान जो है ये सब जो ये दोनों पॉइंट है ये आसियान के बारे में है, ये आसियान के बारे में है, आसियान के बारे में है, आसियान ये आसियान के बारे में है, आसियान के बारे में ये दोनों पॉइंट है, आसियान के बारे में, आसियान के बारे में ये दोनों पॉइंट है। तो इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और जो 24वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और जो कंबोडिया है उसकी राजधानी है नेम पनेव। दोस्तों हमने यहाँ आसियान के बारे में बताया, तो आसियान के बारे में दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें कुल देशों की संख्या 10 है। कितने देश है? 10। कुल देश 10 है और भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, कुल देश 10। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्राओं को प्रथम स्थान, किस जिले की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो जिला है पूर्णिया। बात हो रही है राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 की, तो इस ये जो है इसमें प्रथम स्थान इस ये पूर्णिया जिला की छात्राओं ने हासिल किया है। और ये स्कूल स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता है, स्कूल स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता है और जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है पूर्णिया जिला ने। और बात करते हैं इसके थीम की, तो इसका थीम है बालक बालिका समानता, बालक बालिका समानता। इसका जो थीम है, इसका जो थीम है बालक 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 बालिका बालक बालिका बालक बालिका समानता बालक बालिका समानता बालक बालिका समानता। ये इसका पहला थीम है। दूसरा थीम है नशा उन्मूलन, दूसरा थीम है नशा उन्मूलन थीम है, दूसरा है नशा उन्मूलन उन्मूलन नशा उन्मूलन नशा उन्मूलन उसका थीम है, नशा उन्मूलन उसका थीम है। और बता दें जब बात हो रही है नशा उन्मूलन की तो बिहार में जो शराब है वो 2016 से प्रतिबंधित है, 2016 से प्रतिबंधित है बिहार में शराब। कब से? 2016 से। तो बात हो गई थीम की, बालक बालिका समानता इसका पहला थीम है, दूसरा थीम है नशा उन्मूलन और 2016 से पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंधित है बिहार में।
बात करते हैं पूर्णिया जिला की, तो जो पूर्णिया जिला है वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और जो जो पूर्णिया जिला है वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीन जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो यहाँ लिख देते हैं किशनगंज, के डॉट एस से समझिएगा किशनगंज, उसके बाद पी से पूर्णिया, पी से पूर्णिया, के एस से किशनगंज, और होते हैं कटिहार, कटिहार, के टी से कटिहार समझ जाइएगा, पूर्णिया की समझ। बात करते हैं किशनगंज की, तो जो किशनगंज है यहाँ चाय की खेती होती है, बिहार का एकमात्र जिला जहाँ चाय की खेती है वो जिला है किशनगंज। तो चाय हम ब्लैक कलर के मार्कर से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा फेस दिखेगा, चाय। तो चाय जो होता है वो किशनगंज में होता है, और किशनगंज है यहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या बिहार में किशनगंज। तो मुस्लिम, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वो किशनगंज है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वो किशनगंज है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या किशनगंज। बात करते हैं पूर्णिया की, तो जो पूर्णिया है बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट, बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट वो लगाया गया, वो कहां, पूर्णिया जिला में, एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल प्लांट कहां लगा, पूर्णिया में, एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल प्लांट। तो जो एथेनॉल प्लांट है वो पूर्णिया में लगाया गया है, और पूरे भारत में बिहार एक पहला, बिहार पहला राज्य है जो इथेनॉल नीति को लागू किया है, इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा बिहार है। और बात करते हैं हम कटिहार की, तो कटिहार जो है कटिहार से ही गंगा नदी बिहार से निकल के और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा नदी बिहार से निकल जाती है, वो कटिहार जिला से होके ही निकलती है। और जो ये तीनों राज्य है, तीनों जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन तीनों में जूट की खेती होती है, क्या खेती होती है, जूट की, इन तीनों में जूट की खेती होती है, क्या चीज खेती होती है, जूट की। तो नशा उन्मूलन इसका थीम था, बालक बालिका समानता इसका थीम था, और जो पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंधित है वो 2016 में है। किशनगंज में चाय की खेती और मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी है, और जो पूर्णिया है वो एथेनॉल प्लांट है, और जो कटिहार है वहां से गंगा नदी निकल जाती है। और बात करते हैं दूसरे पोजीशन की, तो पहला पोजीशन जो था वो पूर्णिया का था, और जो दूसरा पोजीशन है वो था पश्चिमी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का ये दूसरा पोजीशन था, और पश्चिमी चंपारण से जस्ट सटा है पूर्वी चंपारण, और जो पूर्वी चंपारण है वहां जल जीवन हरियाली मिशन के तहत धनौती नदी से गाछ को हटाकर पुनर्जीवित किया जाएगा। किस नदी को, धनौती नदी, किस नदी को, धनौती नदी, किस नदी को, धनौती नदी, धनौती, धनौती नदी, धनौती नदी से गाज हटाकर, गाज, गाज हटाकर इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, हमारा अगला सवाल है किसे 2021-22 के लिए बिहारी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो बात हो रही है बिहारी पुरस्कार की, तो जो बिहारी पुरस्कार है वो 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया, 31वां दिया गया है, 31वां मधु कांकरिया को, और जो 32वां है वो माधव हाड़ा को दिया गया, 32वां माधव हाड़ा, 31वां मधु कांकरिया। और जो मधु कांकरिया है उनकी हिंदी की रचना थी हम यहां थे, ये मधु कांकरिया की रचना है जिन्हें 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया को, हम यहां थे। और जो 32वां जो पुरस्कार है बिहारी वो दिया गया माधव हाड़ा को, इनकी रचना है, राजस्थानी में इनकी रचना है पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग, पचरंग चोला, पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, ये माधव हाड़ा की रचना है, ये हिंदी भाषा में है, हिंदी, ये हिंदी भाषा में है, ये राजस्थानी भाषा में है पचरंग चोला पहर सखीरे, जो माधव हाड़ा को, माधव हाड़ा की रचना है राजस्थानी में। आपको बता दें ये जो बिहारी पुरस्कार है ये कवि बिहारी को समर्पित है, इसलिए इसका नाम बिहारी पुरस्कार है, और ये राजस्थानी साहित्यकारों को दिया जाता है चाहे वो किसी भाषा में रचना करे, राजस्थानी साहित्यकारों को दिया जाता है, और जो ये है कवि बिहारी को समर्पित है, किसे है, कवि बिहारी, कवि बिहारी, कवि बिहारी को ये समर्पित है। और इस पुरस्कार के बारे में बता दें 1991 में, कब, 1991 में
1991 में के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन किसको, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें नगद राशि है वो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपया जो है ये नगद राशि दी जाती है। और जो पचरंग चोला पहर सखी रे जो ये रचना है राजस्थानी में, ये मीराबाई की जीवनी पे आधारित है। किसकी जीवनी पे, मीराबाई, 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 मीराबाई की जीवनी पे आधारित है। पचरंग चोला पहर सखी रे मीराबाई की जीवनी पे आधारित है। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है विश्व यात्रा बाजार। विश्व यात्रा बाजार का आयोजन कहां किया गया, तो विश्व यात्रा बाजार है इसका आयोजन लंदन में किया गया है। कहां किया गया है, लंदन में। आपको बता दें वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट इसका आयोजन लंदन में किया गया है। यह सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जो यात्रा है ना, यही है सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी यात्रा, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट विश्व यात्रा बाजार है। और बता दें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व, भारत सरकार, भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। और जो व्यक्ति इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं वो पर्यटन विभाग के सचिव हैं, उनका नाम है अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जो पर्यटन विभाग के सचिव हैं, क्या नाम है, अरविंद सिंह, अरविंद सिंह, अरविंद सिंह जो है ये पर्यटन विभाग के सचिव है। और जो इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ थीम, इसका जो थीम है वो है द फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल, ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, अर्थात यात्रा का भविष्य अब शुरू हो गया है। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है बिहार के किस स्थान को हर की पौड़ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो बात हो रही है हरी की पौड़ जो हरिद्वार में स्थित है, तो जो पर्यटन धार्मिक स्थल है उसके लिए उसी की तर्ज पर बिहार में जो विकसित किया जाएगा वो है सिमरिया धाम। तो सिमरिया धाम को विकसित किया जाएगा। तो ये जो सिमरिया धाम है वो बेगूसराय में स्थित है। कहां है, बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय में स्थित है सिमरिया धाम। आपको बता दें जो सिमरिया धाम है उसका धार्मिक महत्व है जो बेगूसराय में स्थित है। अब बात करते हैं बेगूसराय की, तो बेगूसराय में एक बिहार का प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील, ये बेगूसराय में ही स्थित है। और बता दें जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, बरौनी तेल शोधक कारखाना वो भी बेगूसराय में स्थित है। और जो उर्वरक का कारखाना है वो भी बेगूसराय में स्थित है। और बात करें जो ये बेगूसराय है वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस श्रृंखला का ये आखिरी सवाल था, और अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो हम अपने चैनल पे इसी प्रकार के और करेंट अफेयर हर दिन लाएंगे। इसके अलावा और महत्वपूर्ण वीडियो भी लाएंगे, जो 68वीं बीपीएससी जो होने वाली है फरवरी में, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले और ज्यादा से ज्यादा आप करेंट सही कर पाए। और बिहार स्पेशल के लिए हम कुछ ही दिनों में और वीडियो लाने वाले हैं।